कर करे ना नौकरी, चिड़िया करे ना काम, तो मैं क्यों दर दर भटकू यार। अब मैं भी करूँगा आराम। बॉस, आपने जो कहा सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, पर कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब है अब मैं काम नहीं, सिर्फ आराम करूँगा, बिना कैश के ऐश करूँगा। मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है, मैं लोगों के घर उनका दूर का रिश्तेदार बनकर जाऊँगा और ऐश करूँगा। बढ़िया बढ़िया खाना खाऊंगा, उनसे सेवा करवाऊंगा। हेलो अंकल, आपको किससे मिलना है? अरे नहीं अंकल, लेकिन बताइए तो सही कि मेरी गलती क्या है? अंकल के बच्चे अपने झुमरी तलैया वाले मामा को नहीं पहचानते? ओहो, झुमरी तलैया वाले मामा जी, सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे कब बचपन में आपसे मिला था, कितने साल गुजर गए, लेकिन मामा जी आपको मेरा पता कैसे पता चला? अरे क्या पता लगा रखा है, अपने भांजे का पता लगाना कौन सी बड़ी बात है। अरे अब मुझे अंदर नहीं ले चलेगा? सॉरी मामा जी, वेरी सॉरी। आइए अंदर आइए प्लीज। अरे पतलू, ये देखो मेरे झुमरी तलैया वाले मामा जी आए हैं। तुम्हारे पास 1000 रुपए के छुट्टे हैं क्या? बाहर तो भिखारी खड़े हैं, मैं उन्हें देना चाहता हूँ। अरे पतलू, मेरे मामा जी बहुत ही दान पुण्य वाले आदमी हैं, इन्हें जरा 1000 रुपए का छुट्टा दे दो। लो साहब, लोगों की तरफ से 1000 रुपया। तुम भी क्या याद करोगे कि किस दानी लोगों से पाला पड़ा था? ये दान आपने हमारी तरफ से किया? मेरे पास होता तो मैं तुमसे क्यों मांगता? वैसे भी मैंने दिए या तुमने दिए, बात तो एक ही है ना? बड़ी भूख लगी है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मामा जी हाँ, पतलू ने अभी अभी खाना बनाया है, आइए खाते हैं। पेट भर गया बेटा, अब मेरे पैर दबा दो। शाबाश। मामा जी, मेरा मन पसंद नाश्ता समोसा है, आप टेस्ट करके देखो कैसे है। अरे मामा जी, ये समोसे फेंक क्यों दिए? थोड़ा खाओ और थोड़ा जानवरों को खिलाओ, बाहर भूखे डॉगीज रो रहे हैं ना। इस भूमा का ड्रामा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, देखता हूँ बाहर क्या है, डॉगी या फिर कुछ और। तो ये मामा नहीं जॉन है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। चाय वाले भैया सुनो, तुमसे एक काम है। अरे मेरे लिए तो एक भी समोसा नहीं बचा। समोसे टेस्ट कर लिए, बहुत ही अच्छे हैं। अब खाने के लिए ढेर सारे समोसे मंगा लो। मतलब ये आप टेस्ट कर रहे थे? अरे आप तो सचमुच मेरे मामा हो। अरे मोटू भाया, सुना है तुम्हारे झुमरी तलैया वाले मामा जी आए हैं। मामा जी नमस्ते, लाओ जल्दी से मेरे 10 लाख रुपए। हाँ 10 लाख? अरे कैसे 10 लाख, मैं तो आपको जानता तक नहीं।
अरे मोटू पतलू ने मेरे इस घर के लिए 10 लाख लिए थे और कहा था मेरे मामा दे देंगे और फोन पे आपसे बात करवाई थी। आपने भी कहा था ना हाँ मैं दे दूंगा, अब लाओ। अरे ये क्या कर रहे हो, मैं तो तुमसे कभी मिला तक नहीं, बात तक नहीं की। अरे मोटू पतलू देखो जरा देखो, इनकी नीयत बदल गई है। मोटू पतलू तुम दोनों बाहर जाओ जरा। हाँ चलो। हे डॉगीज जाओ, उसकी जेब में हड्डी है। अरे ये क्या मुसीबत है, बचाओ बचाओ। अरे हंस क्यों रहे हो? अरे वो तुम्हारा मामा नहीं, जॉन था जॉन, और वो तुम्हें उल्लू बना रहा था। बॉस आपका तूफानी आइडिया तो फिर फेल हो गया। चुप करो, लेकिन इस बार मेरा प्लान फेल नहीं होगा। मैं चिंगम के घर उसके बचपन का दोस्त बन के जाऊंगा। अयो चिंगम अन्ना, मेरा दोस्त कैसा है तुम? आ गले लग जा। हेलो, लेकिन तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। नहीं 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 पहचाना, याद करो। अन्ना अन्ना तू मेरा अन्ना, मैं तेरा तम्बे, तू मेरा अन्ना। ओ तम्बी तम्बी मैं तेरा अन्ना, तू मेरा तम्बी मैं तेरा अन्ना। मूरी नारायण, इतने सालों बाद में। ये सिंगमा मैं मूरी नारायण है, गले लग जा। सर कैसे हो सर? सर ये कौन है? ओ ये मेरे बचपन का दोस्त है मूरी नारायण। अरे माँ क्या देख रहे हो? ये तो वांटेड क्रिमिनल है, वो देखो बोर्ड पे। अरे माँ तुम इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। रपरे पकड़ो। ये झूठ है, ये झूठ है, मैं अपराधी नहीं हूँ। किधर 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 गया? ओए झटके मेरे पुत्र, वो कैसा है तू मेरा पुत्र? हाजी आप कौन हो अंकल? मैंने पहचाना नहीं यार। हाँ झटके बड़ा साइंटिस्ट हो गया तू, अपने चाचा को नहीं पहचाना? तो अड्डा अमेरिका वाला चाचा बख्शी। ओ मेरे चाचा जी, ओ कितने सालों बाद मिले हो यार, अब कई सालों तक जाने नहीं दूंगा, पक्का है जी। उड़ी बाबा, इतना प्यार देख के मेरी आंखें भर आई, लेकिन तुम्हारे चाचा की आंखें नहीं भरी। ओ यार अभी मेरी सेवा देख के इनकी आंखें भर आएंगी। आज मैं इनको ऐसा खाना खिलाऊंगा कि ये कभी नहीं भूलेंगे यार। चाचा जी नमस्ते, पहचाना हमें? ये दोनों मुसीबत बनकर हर बार कहाँ से आ जाते हैं? सॉरी मेरा मतलब है नहीं पहचाना। बेटा तुम कौन हो? पहले चाय नाश्ता हो जाए फिर बताती है। जॉन बनेगा जॉन, जॉन बनेगा जॉन। Yeah!
किसी के मामा हो, चाचा हो। जॉन को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जॉन, तुम रॉकेट में आसमान की सैर करने जा रहे हो, अब तुम्हारा वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चाचा को बख्श दो। बॉस कभी नहीं सुधरेंगे, इनके तूफानी आइडियाज इनको ही उड़ा देते हैं।